अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, आज मेरी तबीयत काफी खराब है, अच्छा इसलिए मैंने आज रोजा भी नहीं रखा। तबीयत खराब होने की वजह से आज के नाश्ते में पराठे की बजाय घर वालों ने मेरे लिए चाय बना दी है। चाय के साथ मेहमानों के बचे हुए ये 2-3 बिस्किट हैं और साथ में रस है। मैंने सोचा घर में पैनाडोल वगैरह खाने की बजाय क्यों ना डॉक्टर से चेकअप करवा के मेडिसिन ले ली जाए, इसीलिए मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल। यहाँ से चेकअप करवाया, टेम्परेचर तो मेरा 98 है, मतलब कि बुखार मुझे बिल्कुल भी नहीं है और बाकी गला खराब है और कुछ मेडिसिन वगैरह ले ली है। ठीक है, घर वालों ने कुछ सामान लाने के लिए भी बोला था, अभी करीब से जुशांदा टूथपेस्ट और जो छोटी मोटी चीजें ले ली हैं। तबीयत तो मेरी पहली खराब है, मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए खरबूजे भी ले लिए जाएं। खरबूजे वगैरह लेके जैसे ही मैं घर पहुंचाऊं, टैनी अपने हाथों से तो चेक कर नहीं सकती लेकिन अपने नाक से सूंघ सूंघ के चेक कर रही है कि क्या क्या चीजें मैं लेके आया हूँ। घर वालों ने मेरे लिए नरम गजा के तौर पे दलिया बना दी है, मैंने सोचा थोड़ी नरम गजा टैनी को भी चेक करवा दी जाए। खैर अभी बारी है दवाई खाने की, 2 गोलियां तो ठीक हैं, लेकिन ये बड़ा गोला देख के मुझे डर लग रहा है। आपने भी सुना होगा डर के आगे जीता है, इसीलिए एक ही टाइम में ये सारी खा ली है। देखा कि घर वाले नमाज पढ़ने लगे हैं और टैनी जाके जायनमाज के ऊपर लेट गई है। टैनी को थोड़ा प्यार मोहब्बत से कह के साइड पे हटा दिया, मैंने सोचा आखिर में एक जरूरी बात बता दूं। ठीक है, आप में से जो लोग पबजी लवर हैं, अच्छे रेट में यूसी और अकाउंट वगैरह लेना चाहते हैं, मेरी प्रोफाइल से जाके लिंक ज्वाइन कर लो और एडमिन से रब्ता कर लो। ठीक है समरिया, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।